दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम डेट को लेकर के यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिए गए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले आप लोग डेट देख लीजिए। यहाँ पे 31/1/2023 का ये ऑफिशियल नोटिस है और इसमें आप लोग को पूरा डिटेल में बताया गया है कि इसमें जो एग्जाम डेट है, जैसे कि इसमें 23 तारीख का जो फर्स्ट सेटिंग का एग्जाम था उसको लेकर के जैसे रद्द किया गया, और यहाँ पर जो 23 तारीख का सेकेंड और यहाँ पे 24 तारीख का फर्स्ट और सेकेंड सेटिंग का जो एग्जाम डेट को लेकर के जो रद्द किया गया है या नहीं किया गया उसको भी लेकर के इसमें अपडेट को लेकर के मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए जो विज्ञापन संख्या है 6996 है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 जो है इसके अकॉर्डिंग जो है 1/22 के अकॉर्डिंग जो है तृतीय स्नातक जो है स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के यहाँ पे अपडेट दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है बताया गया है कि जो एग्जाम 23 तारीख का जो फर्स्ट सेटिंग का एग्जाम था उसको लेकर के जैसे पहला जो सेटिंग एग्जाम था उसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे कि परीक्षा 2022 से संबंधित आयोग के द्वारा मतलब आवश्यक सूचना ज्ञापन जो है 4982, ठीक है, यानी 4982 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देखेंगे 26/12/2022 को ये जो है, जैसे कि 23/12/2022 है, 26/12/2022 के द्वारा 23/12/2022 को आयोजित प्रथम चरण जो 10 बजे पूर्वाह्न से 12:15 बजे तक जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम को लेकर के रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप लोग को रह गया आप मतलब 23 तारीख का सेकेंड सेटिंग और उसके बाद 24 और यहाँ पे 24 का फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, उसको लेकर के बहुत सारे जैसे छात्रों ने इस पे मतलब ये बातों को रखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे कि फर्स्ट चरण का जो एग्जाम होता है 23 तारीख का उसी को लेकर के जैसे एग्जाम डेट को लेकर के अपडेट दिया गया, जैसे कि 5/3/2023 को रविवार को एग्जाम लेने की संभावित डेट जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। ठीक है, तो आप लोग को जो छात्र जो है 23 तारीख का जो फर्स्ट चरण में जो एग्जाम में दिए थे उनका पेपर जो रद्द हुआ है उसका एग्जाम डेट को लेकर के फाइनली डेट जारी किया गया है, लेकिन 23 तारीख का सेकेंड और 24 तारीख का फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के कोई अभी जो है एग्जाम रद्द को लेकर के कोई अपडेट नहीं दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31/1/2022 का जो है यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिग्नेचर भी है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इस एडमिट कार्ड को आप लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और अपना तैयारी में जुटे रहिए, जिनका प्रथम चरण का जो एग्जाम है उनको आपको तैयारी में जुटे रहना है। जो सिलेबस आप लोग का पहले था सेम वही सिलेबस रहने वाला है, उसमें सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। आप देखिए यहाँ पे सेकेंड और थर्ड को लेकर के जैसे कि क्या होता है, ठीक है, अगर अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के उसका सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।